आपने आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इंसानों को देखा होगा, या तो अपनी फिटनेस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं या फिर अपनी कला की वजह से उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देखा जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र को लेकर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन भारत में इंसान नहीं बल्कि पेड़ भी अपनी उम्र की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता में मौजूद एक बरगद के पेड़ की जो 250 साल पुराना है। नमस्कार, स्वागत है आपका TV27 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आइए जानते हैं कि क्या है इस पेड़ का रहस्य। ये विशाल बरगद का पेड़ कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। 1787 में इस पेड़ को यहीं स्थापित किया गया था। उस दौरान इसकी उम्र करीब 20 साल थी। पेड़ की इतनी जड़ें और बड़ी बड़ी शाखाएं, जिसकी वजह से ये हर किसी को देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल में आ गए हो। इसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सिर्फ पेड़ है। 14,500 वर्ग मीटर में फैला ये पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचा है। इसकी 3,000 से ज्यादा जटाएं हैं जो अब जड़ों में बदल चुकी है। इस वजह से भी इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ या वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, इस पेड़ पर पक्षियों की 80 से ज्यादा प्रजातियां निवास करती हैं। साल 1884 और 1925 में कोलकाता में आए चक्रवाती तूफानों ने बरगद के पेड़ को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस वजह से शाखाओं में फफूंदी लग गई थी, जिस वजह से उन्हें काटना भी पड़ गया था। आज बॉटनिकल गार्डन में यही एक बड़ा पेड़ है। हालांकि दुनिया भर से लाए गए सैकड़ों अन्य विदेशी पौधों की प्रजातियां आपको इस पार्क में दिख जाएंगी। वर्ष 1987 में भारत सरकार ने इस बड़े से बरगद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। इसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी मानते हैं। पेड़ की देखरेख 13 लोगों की एक टीम द्वारा की जाती है, जिसमें आपको बॉटनिस्ट से लेकर माली तक हर कोई मिल जाएगा। समय समय पर इस पेड़ की जांच भी की जाती है, ये देखने के लिए कि इसे किसी भी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। बगीचे को हमेशा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान के नाम से नहीं जाना जाता था। 2009 में बगीचे का नाम बदल दिया गया था और फिर इसका नाम प्राकृतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के सम्मान में रखा गया था। 1787 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल रॉबर्ट किड ने मसाले चाय जैसी व्यावसायिक रूप से पौधों की प्रजातियों को विकसित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ बगीचे की स्थापना की थी। उन्हें क्या पता था कि एक दिन सदियों बाद अंजीर की ये प्रजाति दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ बन जाएगा।